करना पड़ेगा, पर कुछ कह नहीं सकते हैं, लाइटें नहीं है तो। पर पानी नहीं होगा फिर क्या करें, जाना पड़ ही सकता है। पूरी रात बहुत भयंकर वाली बारिश गिरी है, उसकी वजह से लाइटें चली गई हैं और हमारा इन्वर्टर है यानी सोलर का जो चार्ज है वो भी ख़त्म हो चुका है। और अब भी इतने सारे काम पेंडिंग्स पड़े हुए हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, कपड़े लाइट्स के बिगड़ धुलेंगे नहीं क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने हैं, और बर्तन किचन में धोने तो वहाँ पर अंधेरा है, तो अंधेरे में तो कैसे धुलेंगे बर्तन। और अब सिर्फ एक ही काम हो सकता है जो कि है मिट्टू के घरों की साफ सफाई, तो वो अभी हो रहा है। अभी एक बार इनकी प्लेटें वगैरह सब कंप्लीट धो दूँ, मेरे बर्तन भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो अभी बर्तन साफ़ करूँगी तो थोड़ा उजाला। अरे यार कल मुंह में चमड़ी आ गई है, अभी से चबा गई। थोड़ा सा एक बार उजाला करती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कुछ देख नहीं रहा है आपको, थोड़ा सा उजाला दिख रहा है पर बिल्कुल ही अंधेरा। होपफुली बाई जी आ गई, और यहाँ पर मैंने मिट्टू का खाना भर दिया, चने भुट्टे, और यहाँ पे थोड़ी खीरा रखी है, और बाकी मूंगफली और बीज और ये सारी चीज़ें रख देती हूँ, भूखे भी हो गए मिट्टू। और लाइटें आई नहीं है सबके घर पे, लाइटें हमारे घर पे ही नहीं है, तो मैंने चिकू को भी फ़ोन करके बोला है कि अपने घर पे ही लाइटें नहीं है, आंटी जी और सबके घर पे लाइटें हैं, तो वो कुछ जुगाड़ करते हैं तो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करना ही भूल गई थी, फ्लो में वह काम हो रहा है तो हो रहा है। और आज है ना मेरे बेड का फाइनली मैट्रेस सही होने जा रहा है, तो मम्मी मैकेनिक लेके आ जा रही है, तो आज मस्त मेरा मैट्रेस सही हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी यार, एक तो क्या तो और ख़राब हो गया है तो अच्छा भी नहीं रहता, और यार परमानेंट यूज़ करते तो फिर नहीं मज़ा आता। और चिकू को तो बोल के थक गई थी मैं, वो तो करवा ही नहीं रहते, फिर मम्मी के हाथ में दिया, मम्मी फटाफट करवा देगी। बर्तन धोए मैंने, फिर मैंने पूजा की, तब तक लाइटें नहीं आई थी और लाइटें अभी आई है पसीने से। ओ बाप रे, पूरा तिलक पूरा फैल गया। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, लाइटें आ गई तभी खाना बनाने की इच्छा हुई मेरी, तो खाने बना रही हूँ। यहाँ पे बाटी और यहाँ पर कड़ी, क्योंकि चिकू का व्रत है, क्योंकि आज सैटरडे है, और मम्मी यश दोनों जने भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मैट्रेस है वो सही करवा रहे हैं। मैं मैट्रेस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, फाइनली सही हो रहा है, मेरे को खुशी हो रही है। आज फाइनली मेरी चादर मैं बिछा दूंगी, और इसके ऊपर जो कवर था वो भी फट गया है, तो उसको भी मैं सही करा दूंगी, ये रहा कवर भी। चलो फटाफट खाना वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ, चिकू को बुला देती हूँ, उनको भूख लगी होगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइट के चक्कर में सारे काम लेट हो गए हैं, और एक तरफ अब कपड़े धोने हैं तो कपड़े भी धो देती हूँ। ठीक है, तो अभी खाना वगैरह सब कंप्लीट बन गया है, यहाँ पर गद्दा भी रिपेयर हो गया है, मम्मी पास में रह के करा रही है, तुमने कब करवाया नहीं करवाया नहीं करके। तो ये हमारा आज का खाना। फाइनली मेरे बेड पे मैट्रेस अच्छे से लग गया है, और इसके ऊपर मैंने कवर लगा के फिर ऊपर अच्छे से बेडशीट भी लगा दी है, और काम कंप्लीट हो गया। अब मैं और मम्मी दोनों जाने जा रहे हैं सैलून पे, मम्मी और हम दोनों वहाँ से जाएंगे कपड़े लेने के लिए, हमारे घर पे एक ढूंढ है तो वहाँ पर कपड़े लेने के लिए जाना है, तो कपड़े वगैरह ले लेते हैं। चिकू उदयपुर चले गए, मैं बोर हो जाऊँगी अब अकेले अकेले। मैं आ गई हूँ शॉप पे, मम्मी अभी गई है हॉस्पिटल, मम्मी के हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई है, उसके पास गई है, और मैं मम्मी का काम कर देती हूँ, मम्मी के जो ढूंढ के कपड़े लाने हैं तो वो मैं और तमन्ना दीदी दोनों जाते हैं ले आते हैं, हिना दीदी तो जा रहे हैं घर, चलते हैं।
बाय गाइस। ओके चलो बाय। सब सामान सेट हो गया पा? ये बाइक किसकी है? कंप्लीट मम्मी का जो पार्सल लाए थे वो पैकिंग कर दिया है, मम्मी भी गई, फिर अब मैंने भी शॉप पे अंदर कस्टमर्स का काम किया और अब फाइनली फ्री हो गई हूँ। 7:30 हो रही हैं तो अब मैं जाती हूँ घर पे। चिकू गए हैं उदयपुर। अब चिकू उदयपुर से कितनी बजे आते हैं कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि उदयपुर से ऋषभ देवाने में फुल ट्रैफिक है, 4-4 घंटों का जाम है ऐसे बोल रहे हैं, तब देखो क्या होता है। और बताओ करके अब चले आ जाओ। घर आ चुकी हूँ मैं और हिमायरा, ईवा, मोरवी तीनों को मैं मेरे साथ में लेके आई हूँ क्योंकि मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। और कपड़े थोड़े से धोने बाकी थे तो अभी साथ साथ में कपड़े धो रही हूँ और फिर हम अब तीनों जने मिलके ड्राइंग करेंगे। चलो ड्राइंग करते हैं, आ जाओ। ड्राइंग कर लेंगे आप? ड्राइंग नहीं, ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करेंगे हे ये ड्राइंग करेंगे मम्मी के लिए। आज हम डेयरिंग करेंगे, ड्राइंग नहीं। डेयरिंग ना हिजुका बनाऊंगी, आप पर डोरेमोन बनना। हिजुका डोरेमोन दो ना मानो। ठीक है चलो मैं बनाऊंगी हिजुका। ठीक है एक पाकर दो। ये पाक ये अपनी जगह से हिलेगी ना, आपको यूं हाँ मैं निकाल रही हूँ। हिमायरा, ईवा, मोरवी तीनों जने मिलके कर रहे थे ड्राइंग और इतनी देर मैंने मेरे कपड़े जो बाकी थे वो कंप्लीट धो दिए हैं और किचन में भी थोड़े बर्तन पड़े थे तो कंप्लीट क्लीन करके रख दिया, नहीं तो काम सुबह मेरा ही बढ़ेगा ये मुझे पता था क्योंकि भाई जी का कोई ठिकाना नहीं, कोई फिक्स नहीं है। चिकू को फ़ोन करती हूँ कहाँ तक है यार, अच्छा नहीं लग रहा है अकेले। मैं अभी अंदर बैठी बैठी व्लॉग एडिट कर रही थी, हिमायरा अकेली बेचारी पेंटिंग कर रही है क्योंकि मोरवी ईवा चले गए तो हिमायरा ने पेंट ये किया। क्या पेंट किया बताओ बेटा? ये पेंट किया है, कितना अच्छा पेंट किया है। और एक तरफ वो कार्टून देख रही है, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने देखा मिट्टू उड़ रहा है, मैंने कहा दो ही मिट्टू तो बंद है जो उड़ने वाले हैं और ये भी उड़ता है तो ये मिट्टू गायब था और ये मिट्टू उड़ रहा है। इसके बेचारे के पंख पूरे ख़राब हो गए थे पर अब ये उड़ना चालू हो गया, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना बहुत ही ज़्यादा। बेचारा उड़ नहीं पा रहा था तो बहुत मुझे दुख हो रहा था। मुझे छोड़ के क्यों गए थे? तुमको तो और रुकना था यूँ लग रहा है। ठीक है चिकू तो इतने खुश हो गए ना घर पे आके, नीचे आ रहा है चिकू आ रहा है जल्दी आ जाओ है ना। गुड आपको काटता ही नहीं है भाई यार, आपका कितना ध्यान रखता है ये। एक जरा भी नहीं है बेटा, लॉक कर दो। बाय बाय मिट्टू, जय श्री कृष्णा, छोड़ छोड़ कर लो। चिकू 11:30 बजे घर पे आए हैं और अभी मैं मेरा व्लॉग कंप्लीट एडिट करके बैठ गई हूँ यहाँ तक का। और आज मैंने खाने में है ना क्या खाया, यानी मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई थी ना, अंदर ब्रेड पड़ी हुई थी वो और नमकीन खाया, चिकू वाला खाना मैंने खाया है, अच्छा लगा। पर अब भूख लग रही है, थोड़ा लग रहा है दूध थोड़ा गर्म करके पी लूँगी। और यहीं पर मैं व्लॉग भी एंड कर देती हूँ आज का व्लॉग। आई होप आपको देखने के बाद अच्छा लग गया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में, बाय बाय।